साथियों, हमारे देश में सेना के साथ साथ और लगभग जितनी बड़ी संख्या में हमारी सेना है उसी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल हैं। और ये अर्धसैनिक बल लगभग इनकी संख्या 12 लाख है। आज मैं इन्हीं की पीड़ा, ये जो अर्धसैनिक बल हैं, आज मैं इन्हीं की पीड़ा, इन्हीं के दुख, इन्हीं की चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। इन अर्धसैनिक बलों में कौन कौन आते हैं? नंबर एक CRPF, नंबर दो CISF, नंबर तीन आपके SSB, नंबर चार BSF, नंबर पांच ITBP और नंबर छह असम राइफल्स। ये छह जो हैं, ये हमारे अर्धसैनिक बल हैं। इनमें जो हमारे चार हैं, वो पूरी तरह से सीमा की रक्षा में लगे रहते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये मैं कहूंगा कि उनका काम बिल्कुल वैसा है जैसा हमारी सेना का है। बल्कि कई मामलों में देखा जाए तो सेना से शायद एक कदम आगे हो सकता है, लेकिन सेना से कम तो नहीं है। हाँ, जब युद्ध होते हैं तो निश्चित रूप से युद्ध में सेना का सबसे बड़ा जो काम होता है, सबसे बड़ा योगदान सेना का होता है, सारा कंट्रोल सेना के हाथ में होता, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब उसको, सेना को सपोर्ट करने के लिए सारे काम करते हैं। तकरीबन 12 लाख हमारे अर्धसैनिक बलों के सैनिक और अधिकारी हैं। ये सारे के सारे बहुत कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं। आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान गर्म गर्मियों में होता है राजस्थान के इलाकों में, वहां ये सेवा करते हैं। साथ में जो हमारा सियाचिन वगैरह का जो उधर का इलाका है, बर्फीला इलाका है, जहां पे -40 डिग्री यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है, उस तापमान पर मत कड़कड़ाती ठंड में वहां भी हमारे साथी काम करते हैं, इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। असम के जो कई इलाके हैं, बड़े ऐसे इलाके हैं, वहां तो एक मच्छर इस तरह का उस इलाकों में होता है नॉर्थ ईस्ट के में, कि हर समय एक मच्छरदानी टाइप का, एक जाली टाइप का उन्हें हेलमेट पहन के रखना पड़ता है, काट दे तो उनकी मौत भी हो जाती है। ऐसे इलाकों में वो हमारे साथी काम करते हैं। इन साथियों की बड़ी जायज डिमांड है, एक बहुत ही जायज इनकी करीब 10-12 मांगे हैं। और पिछले लगभग 7 साल से तो पक्का है कि इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर ये लगातार, जो इनके सेवानिवृत्त साथी हैं, जो रिटायर्ड साथी हैं, वो साथी जिनकी संख्या मतलब थोड़ी नहीं, उनकी संख्या भी लगभग 8 लाख उनकी संख्या है पूरे देश में, वो सारे साथी लगातार डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये 10-12 जो डिमांड है, सरकार पूरी नहीं कर सकी। ये वही है राष्ट्रभक्त सरकार, जो राष्ट्रभक्ति के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे लगातार नौटंकी करती है, नौटंकी। और ये वही है जो वो सरकार है जिसने, जब पुलवामा कांड हुआ, आप जानते हैं 2019 में 14 फरवरी को जो पुलवामा कांड हुआ, उस पुलवामा कांड में हमारे CRPF के जो 44 जवान शहीद हुए, उसके बाद की स्थिति में आज तक उनकी क्या स्थिति है, उनके घर की क्या स्थिति है, कोई देखने नहीं गया, कोई खबर लेने नहीं गया है, कैसे वो जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिकतर जो हैं वो किसानों के बच्चे आते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, तो वो जो साथी हैं उन साथियों की कोई खबर लेने नहीं है। उनकी जो डिमांड है वो डिमांड आज तक पूरी नहीं हुई। बड़ी, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, बड़ी छोटी सी डिमांड है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं जो उनकी डिमांड है। तो क्या डिमांड है इनकी? एक इनकी डिमांड है 1 rank 1 pension की, जैसे सेना की डिमांड है 1 rank 1 pension की। मोदी जी ने बड़ा रेवाड़ी में जो बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई थी, रैली हुई थी 2014 के चुनाव से पहले, बड़ा भाषण देकर बहुत ही वो किया था कि 1 rank 1 pension देंगे, और दिया कुछ नहीं। हालत यह है इस समय कि जंतर मंतर पर हर दिन लगातार 1 rank 1 pension के लिए जो सैनिक है वो धरना देते हैं, और आप उन्हें धरना देते हुए लगातार 2000 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, 2000 दिन से भी ज्यादा लगातार वो दे रहे, उन्हें 1 rank 1 pension अभी तक नहीं मिला है। एक स्थिति है, यही इसी तरह की ये भी 1 rank और 1 pension की डिमांड करते हैं, देना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें।
इसके अलावा एक बड़ी मजेदार, बहुत ही अच्छी इनकी डिमांड है, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड। आपको ध्यान होगा, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं कि 2004 में, 1 जनवरी 2004 को जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने जो पुरानी पेंशन थी उसको खत्म कर दिया और उसके बाद में नई पेंशन उन्होंने लागू की। नई पेंशन किस तरह से था, नई पेंशन का कि जो भी नई पेंशन, यानी 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में जितने भी लोग नौकरी में आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, वो सब के सब उनको नई पेंशन स्कीम जो उसके तहत पेंशन मिलेगी। वो क्या स्कीम है, हर महीने जो भी कर्मचारी है, जो भी नौकरी कर रहा है, उसके हर महीने उसके सैलरी बेसिक पेंशन जो है उसमें से 10% और उसका डीए उसमें से 10% कटेगा और इसी में इतना ही जो सरकार है वो अपनी तरफ से वो देगी भाग, और उसके बाद में ये जो होगा ये इकट्ठा होता रहेगा। इसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, वो जो अथॉरिटी है वो उसको किस किस तरह से कंट्रोल करेगी वो उसका वो देखेगी और इसमें से पेंशन मिलेगी। ये एक स्थिति है। एक जो इनकी बड़ी डिमांड है वो ये कहते हैं कि जो जैसे हमारे फौज के जो हमारे सैनिक हैं उनको रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विस का, जो एक्स सर्विस मैन का दर्जा होता है, ये भी यही चाहते हैं कि हमें जो है एक्स पैरामिलिट्री सर्विस के हिसाब से वो स्टेटस जो है हमें दिया जाए, एक्स सर्विस मैन का स्टेटस दिया जाए। और इसके लिए केवल यही नहीं है, इसके लिए जो एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो एक ऑर्डर है वो निकला भी हुआ है, जिसका नंबर है 27011/100/2012 है, रेड विद डेटेड 23/11/2012 है, मतलब 23/11/2012 का ये एक ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय का निकला हुआ है कि इनको वो स्टेटस दिया जाए एक्स सर्विसमैन का, बावजूद उसके दिया नहीं गया। ये बड़ी जेन्युइन डिमांड कब का, 2012 का, 2012 में निकला और इस समय 2020, अब 2021 शुरू होने वाली, इनकी डिमांड पूरी नहीं की गई, बहुत मामूली सी डिमांड। इसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि जैसे सेना के लिए हर जिले में सैनिक बोर्ड हैं, इसी तरह से इनके लिए भी अर्ध सैनिक बोर्ड हर जिले में बनाए जाए। मैं समझता हूं इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी भी तरह की है नहीं, सरकार को करना चाहिए भाई, कम से कम ये जो अर्धसैनिक बल है हमारे साथी, अगर इनकी कोई दिक्कत होती है इनकी देखभाल के लिए, भलाई के लिए अर्धसैनिक बोर्ड जो है बना दिया जाए तो क्या दिक्कत है। हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट अलग तरीके से उनको हैंडल करें, उनकी दिक्कतों को जानता समझता हो, तो ये चीजें होनी चाहिए, बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं। और उन परिस्थितियों में जिस परिस्थितियों में वो लोग काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप नहीं दे रहे हैं। एक बड़ी और डिमांड है, देखेंगे बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है कि जैसे सेना में टैक्स वगैरह से छूट दी जाती है कैंटीन में, कैंटीन में जो सामान आता है, तो एक सेंट्रल पुलिस कैंटीन है सीपीसी, देश के कई हिस्सों में है, कई जगह पर है, कई शहरों में है, तो उसमें ये चाहते हैं कि सरकार जो 50% जीएसटी की रिबेट है वो उन्हें दी जाए। ये मतलब ये स्थिति उनकी है, सेंट्रल जो उनकी जो कैंटीन है उस पर दी जाए, सरकार को देने में क्या दिक्कत है। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल एक जेन्युइन उनकी डिमांड है और ये पूरी होनी चाहिए। एक मैं आपको परिस्थिति इसकी समझाऊंगा, बताऊंगा आपको, और ये हो सकती है, ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत बड़ी चीज की जरूरत है, कैलकुलेट करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कैसे हो सकती है। एक इनकी बड़ी एक और डिमांड है कि जो सेना में है, हालांकि जो सेना में है वहां भी बहुत दिक्कत लगातार है। एक होती है एमएसपी, आप देखेंगे एमएसपी किसानों के लिए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों को नहीं मिल रही एमएसपी, मात्र 6% किसानों को मिल रही है, 94% यानी 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिली, वहां भी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सेना में भी एमएसपी है यानी मिलिट्री सर्विस पे, उसमें भी बड़ा भेदभाव है, बड़ी मजेदार स्थिति, उसमें 3 स्थिति है। जो सैनिक है उनको जो मिल रही है एमएसपी वो 5,500 रुपए मिल रही है, और जो जो नर्सिंग स्टाफ है उनको मिलती है 10,500, और जो ऑफिसर्स हैं उनको मिल रही है करीब 15,000 या 15,500। ये एमएसपी इसी तरह, और उनकी डिमांड सेना के साथियों की बिल्कुल जायज डिमांड है, और मैं समझता हूं कि जो सेना के अधिकारी हैं वो भी किसी भी तरह की इसमें
कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे मैंने कई अधिकारियों से मेरी बात हुई है जो रिटायर्ड अधिकारी हैं सेना के, वो चाहते हैं कि हाँ ये तो हो जाए कि दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है इसमें। वो सारे अधिकारी भी ये चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रही, सरकार कर नहीं रही। भाई आप इसको बराबर कर दीजिए कि जो व्यक्ति अपनी जान गंवा रहा है, जान को हथेली पर रख के देश की रक्षा कर रहा है, स्वाभाविक है उसको ज्यादा मिलनी चाहिए, पर ज्यादा नहीं तो कम से कम सबकी बराबर कर दीजिए। सभी को 15,500 जो है रुपए आप एमएसपी कर दीजिए सेना में, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह की एमएसपी की तर्ज पर ये जो हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, ये भी पैरामिलिट्री सर्विस पे यानी पीएसपी इसकी डिमांड कर रहे हैं, जायज डिमांड है। ये बहुत ऐसी जायज डिमांड है और कोई बड़ी डिमांड नहीं है। इसके अलावा जो और ये कर रहे हैं, एक किसी भी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका जो किस तरह से वो काम करेंगे, किस तरह से उनको सारा डील किया जाएगा, क्या क्या उनके अधिकार कर्तव्य कैसे, जो सारी चीजें को उसके रूल्स बनते हैं, सर्विस रूल्स होते हैं। तो एक सीसीएस रूल्स यानी सिविल सर्विस रूल्स जो है करके, इनकी एक बहुत छोटी सी डिमांड है कि भाई हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनके सर्विस रूल्स आप बिल्कुल अलग कर दीजिए। पैरामिलिट्री सर्विस रूल्स इसमें क्या लगना है, इसमें तो पैसे भी नहीं लगने हैं, इस सारी डिमांड में तो पैसे भी नहीं लगने हैं। सरकार इसे भी नहीं कर पा रही, उनके लिए रूल ही तो बनाने अलग से। जैसे मैं आप इसको एक उदाहरण इसका बताऊं कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इनके लिए पहले पुलिस रूल्स जो है वो पंजाब पुलिस रूल्स थे, पंजाब पुलिस रूल्स। ये चारों स्टेट केवल पंजाब पुलिस रूल्स के तहत गवर्न होते थे कि पुलिस की वर्किंग किस तरह से रहेगी। बाद में धीरे धीरे हुआ कि अलग अलग रूल्स बने, और जैसे दिल्ली है अब उसके लिए दिल्ली के अपने अलग रूल्स बन गए, दिल्ली पुलिस रूल्स जो हैं। तो इसी तरह से इनकी डिमांड है, इसमें तो कुछ लगना ही नहीं है इनके रूल्स, ताकि ये अपने उस रूल्स के तहत गवर्न हो सके, क्योंकि इनकी जो जॉब है वो सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं उनसे अलग हटके है, ये आर्म फोर्सेज के लोग हैं। तो जैसे मिलिट्री के लिए उनके रूल्स हैं, इसी तरह से इनके लिए भी रूल्स होने चाहिए। ये इस रूल्स की डिमांड कर रहे हैं, बड़ी जेन्युइन डिमांड है, इसको सरकार को जरूर पूरा करना चाहिए। एक और डिमांड है कि जैसे ईसीएच की है यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ जो स्कीम है वो होनी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा मैं इससे आगे बढ़ के कहूँ, हालांकि ये इनका इसमें ये भी कहना है कि इस तरह से हमारे हो जैसे सेना के लिए है, या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सीजीएचएस जो है उसकी जो डिस्पेंसरीज है वो खोल जाए। मेरा इसमें अपना व्यक्तिगत ये है कि इसके बजाय जो ईसीएचएस है, इसके बजाय होना ये चाहिए कि जितने भी लोग सर्विस करने वाले हैं उन सभी के लिए, किसी भी तरह के हों, जो हमारे सेना के हैं उनके लिए तो बिल्कुल अलग ही किया जाए, पूरा उनका अलग होना चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो हमारे आर्म फोर्सेस के साथी हैं और बाकी सब जो लोग हैं, इन सब के लिए CGHS की डिस्पेंसरी अच्छी वाली, जिनमें हर तरह की दवाइयां उपलब्ध हो, हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि कहीं किसी को दिक्कत ना आए, किसी के सामने कोई बीमार हो, कोई घटना घट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, उसको पूरा इलाज मिल सके, वो सारी चीज होनी चाहिए। और उसमें भी ये होना चाहिए, कई जगह ये नहीं है, कहीं कहीं दिक्कत है तो बहुत स्पष्ट रूप से होना चाहिए, कहीं जो है कहीं नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि बिना एक पैसा जमा कराए उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सबके लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट आर्म फोर्सेस के लिए जो साथी हैं, अर्धसैनिक बलों के लिए, उनके लिए सेना की तरह अलग से भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि जो अर्धसैनिक बल हैं विशेषकर सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ वगैरह के, इनके जहां जहां भी जिस राज्य में या राज्य में भी किसी जिले में जहां जहां इनको भेजा गया है, जहां जहां ये रहते हैं, ग्रुप सेंटर्स कई जगह हैं जिनमें ये सारे रहते हैं, और वहां पे इनके सारे अर्धसैनिक बलों के जो हमारे साथी हैं सैनिक वो भी रहते हैं, उनके ऑफिस में तो पूरा एस्टेब्लिशमेंट होता है, वहां हॉस्पिटल भी होता है, लेकिन वो हॉस्पिटल केवल कहने के लिए ही हॉस्पिटल माना जा सकता है उसे, क्योंकि अगर कोई जरा सी दिक्कत हो जाती है तो जिस जिले में वो ग्रुप सेंटर एस्टेब्लिश है वो अगर कोई ज्यादा दिक्कत है तो तुरंत उस हॉस्पिटल को रेफर करना पड़ता है। मैं ये मानता हूं कि जहां ग्रुप सेंटर से वहां तो बहुत बड़ी संख्या में ये अर्धसैनिक बल रहते हैं, उनके लिए प्रॉपर तरीके से वहां हॉस्पिटल क्यों नहीं होना चाहिए।
और केवल ये नहीं, ये इनकी डिमांड होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि एक और बड़ी डिमांड है, वो होनी भी चाहिए और बिल्कुल जायज डिमांड, जैसे सेना के लिए रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली में है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और सेना के अलग अलग भी जहां देखी जाए अच्छे हॉस्पिटल सेना के लिए हैं, ये भी सेना की तरह ही काम करते हैं, तो इनके लिए भी इसी तरह के हॉस्पिटल्स क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों इन्हें भेजा जाता है कि अगर आप देखें तो, अगर आपको देखना है तो मैं आपको मिल जाएगी देखने के लिए, बड़ा नजारा मिल जाएगा। दिल्ली में जो अर्धसैनिक बल हैं, अगर कोई ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो आप सुबह हर रोज जाके देखिए, जो सीआरपीएफ के जो साथी हैं, जो अर्धसैनिक बलों के साथी हैं, वो आपको एम्स में वहां गाड़ी उनकी खड़ी मिल जाएगी, वहां दिखाने आते हैं, सफदरजंग में, मतलब ये स्थिति है। क्यों नहीं उनके लिए उनके ही अपने हॉस्पिटल, उनके द्वारा गवर्न, उनके द्वारा सारा उसका जो है देखभाल एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। भाई अर्धसैनिक बल हैं, उनको सुविधा देनी चाहिए, ये लोग देश की रक्षा में हैं लगातार, और देश की रक्षा से ज्यादा तो मैं देखता हूं कई बार तो ये सरकार की रक्षा कर रहे होते हैं। सारे जो चीजें हैं आप देखिए, किसान आंदोलन इस समय चल रहा है, जहां जहां भी किसान इकट्ठे हैं सब जगह ये सारे के सारे सीआरपीएफ के जो साथी हैं वो लगा रखे हैं, जो सब मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथी अर्धसैनिक बल के, ये सब वहां लगा रखे हैं। इनको जब आप इस तरह का सारा काम दे रहे हैं, वो जो सब है इनके लिए, वो सुविधाएं क्यों नहीं देते हैं? ये सुविधाएं देनी चाहिए। एक और इनकी जो मैं इसको मानता हूं कि एक तो CGHS की जो फैसिलिटी है वो इनको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, और बिना किसी उसके जो है एक पैसा जमा कराए, जो इनका है पूरा आई कार्ड वगैरह बन के बिना पैसे के इलाज होना चाहिए। कितना भी बड़ा खर्चा हो, कितनी भी बड़ी बीमारी का ट्रीटमेंट हो, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। साथ में एक बहुत अच्छी है, जैसे आप कहेंगे इनकी है कि इनको इनके जो जो सीआरपीएफ अर्धसैनिक बलों के जो जवान शहीद होते हैं, आखिर वो देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि घर में मौज मस्ती कर रहे हैं और वहां वो जो है जीवन के अंतिम सांस ली उन्होंने, वो एक अलग स्थिति। लेकिन जो साथी सीमा पर या अपने कर्तव्य को निभाते हुए आतंकवाद से या नक्सल एरिया में या जहां भी वो जवान शहीद होते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ी जेन्युइन इनकी डिमांड है, और सरकार को मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इस बात को नहीं मानती। न केवल उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अब तक आजादी के बाद से अब तक देश में अर्धसैनिक बलों के तकरीबन 33,000 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, 33,000 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, और ये देश की रक्षा करते हुए हैं, सीमा पर हुए हैं, आतंकवादी घटनाओं में हुए हैं, नक्सलवाद इलाके में, इन सबको अगर शहीद का दर्जा दिया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? शहीद का दर्जा इन्हें देना चाहिए। ये जो अर्धसैनिक बल हैं, ये इतना काम करते हैं इसलिए इनको देना चाहिए। ड्यूटी इनकी 8 घंटे की है, काम इनसे आप 12 घंटे का, 14 घंटे का, कई बार 16-16 घंटे का काम ले रहे हैं, और फिर भी इनको इतना सम्मान भी नहीं दे रहे। और न केवल इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, बल्कि जो इनकी डिमांड है 1 करोड़ रुपया एक्स ग्रेशिया तुरंत इनको दिया जाना चाहिए परिवार को, और परिवार के व्यक्ति को नौकरी, और इनका रिहैबिलिटेशन, इनका जो है पुनर्स्थापन जो कहीं पे भी हो इनको प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। जो व्यक्ति देश की सेवा में शहीद हो गया उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उसके पूरे परिवार की बाकायदा देखभाल की जिम्मेदारी ईमानदारी से सरकार की होनी चाहिए। एक डिमांड इनकी ये है, और बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, हर कोई कहेगा कि ये होना चाहिए। इसके अलावा जो इनके लिए जो जैसे सेना के लिए हैं, आप देखें पुणे में एक AFMC यानी आर्म फोर्सेस मेडिकल सेंटर करके एक, मतलब यूं कहें कि जो मेडिकल के लिए जो कॉलेज है और रिसर्च वगैरह जो मैं अभी मैंने आपको बताया हॉस्पिटल है, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली में जो है, इसके अलावा इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज, एक ये बड़ी इनकी डिमांड है। भाई इनके जो बच्चे हैं वो भी मेडिकल में जाएं, वो भी जो है इंजीनियरिंग में करें। अब आप देखिए कि आपने ये व्यवस्था नहीं कर रखी, तो इनके बच्चे जाते हैं तो कहां से, क्या ये अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं? नहीं, जो तनख्वाह मिलती है, जो इनकी स्थिति है उसमें अपना जीवन ही चला पाए वही एक बड़ी बात है, तो कहां से लाएंगे? आज की तारीख में डॉक्टर बनने के लिए अगर नहीं मेरिट में कोई बात आती है, बच्चा अगर अच्छा भी है
तो वो बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए कहां से 1 करोड़ रुपए लाएंगे एमबीबीएस के लिए, जो इंजीनियरिंग है कहां से 50 लाख रुपए लाएंगे, कहां से लाएंगे वो सारी चीजें। तो ये एक अगर डिमांड है कि भाई उनके जो बच्चे हैं उनके लिए कम से कम मेडिकल कॉलेज हो, उनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और मैं समझता हूं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़े पैसे नहीं लगते हैं इसमें, सरकार बड़े आराम से कर सकती है, एक बड़ी जायज इनकी डिमांड है। एक और इनकी डिमांड है कि जो सीआरपीएफ के जो हमारे साथी हैं उनको कैडर उनका रिव्यू किया गया है। ये भी जो बाकी साथी हैं जिसमें सीआईएसएफ के हैं, बीएसएफ के हैं, आईटीबीपी के हैं, एसएसबी के हैं, असम राइफल्स के हैं, ये भी इसी तरह से चाहते हैं कि उनका जो कैडर है वो कैडर रिव्यू किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। ये इनकी कुछ डिमांड है। इसके अलावा जो और जो क्या चीज होनी चाहिए, उन सब पे ये लगातार अपनी बात। और एक बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूं कि इस अपनी डिमांड के लिए पिछले 7 साल से ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर कई बार इन्होंने आंदोलन किया है, गृह मंत्री से मिले हैं, प्रधानमंत्री से मिले हैं, ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति तक को जो है इन्होंने ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई इनकी बात इंप्लीमेंट किसी भी तरह से हो नहीं रही है। क्या होनी नहीं चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कितना बड़ा खर्चा हो जाएगा, ये जो सारी की सारी चीजें हैं इनमें आखिर कितना बड़ा खर्चा हो जाएगा। मैं समझता हूं जहां मैं अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये सारी की सारी चीजों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इनके प्रचार पर जो 1 मिनट में 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, इसको 1 साल में जो खर्चा हो रहा है आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1 मिनट में प्रचार के लिए 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री के प्रचार पर, और 2014 से लगातार ये हो रहा है। ऐसे खर्चीले हमारे प्रधानमंत्री जो 10,000 करोड़ का अपने लिए एक जहाज लेकर आए हैं जिसमें वो चलेंगे। अब से पहले तो प्रधानमंत्री रहे वे तो बेचारे किसी में चलते ही नहीं थे, एयरफोर्स के इतने बेहतरीन जहाज थे हैं उनमें नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री के लिए अलग से 10,000 करोड़ का एक जहाज, 2 जहाज लेकर आए हैं। ये प्रधानमंत्री का खर्चा है, गरीब देश के प्प्रधानमंत्री का खर्चा है, जिस देश में 3 लाख लोग भूख से मर जाते हैं, जिस देश में तकरीबन 150 लोग हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, जिनमें किसानों से अलग जिनमें बेरोजगार लोग हैं, जिनमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सारी स्थिति, जिस देश में अब तक तकरीबन 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है, ये उस देश के प्रधानमंत्री की रईसी है। तो मैं मानता हूं आपकी डिमांड बिल्कुल जायज है, आपकी डिमांड पूरी होनी चाहिए और आपको संघर्ष लगातार करते रहना चाहिए जब तक आप जीत ना जाएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।